गुड इवनिंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडी गाई। मैं हूं आपका दोस्त समजित नंदी। दोस्तों फिर से आपको एक बार गोरिया एरिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि गोरिया एरिया में बार बार क्यों ये फूड ब्लॉक कर रहा है समजित, तो दोस्तों बता दूं अब मैं जहां पे जा रहा हूं वो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था जिसका नाम है होइचोई फूड प्लाजा। दोस्तों आप जानते हो वहां पे कि 99 में बिरयानी कॉम्बो दे रहे हैं, 99 में इंडियन प्लस मुगलाई कॉम्बो दे रहा है, तो वो मैं पहले कभी भी वहां पे नहीं गया। आज मैं पहली बार शेयर करूंगा आप लोगों के साथ वहां का एक्सपीरियंस। तो चलिए दोस्तों लोकेशन पे जाके इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूं, तो चलिए मेरे साथ। सो ऑलराइट दोस्तों, आज हम आ गए अपना आज का डेस्टिनेशन होइचोई फूड प्लाजा के सामने। ये मेरे सामने है होइचोई फूड प्लाजा और आज हम जो ट्राई करेंगे इधर, ये देखिए 99 का वायरल बिरयानी कॉम्बो। जहाँ 99 में चिकन बिरयानी, चिकन कोशा, रायता, सलाद, अंडा दिया जाएगा। एक और 99 का यहाँ पे कॉम्बो है, चाइनीज कॉम्बो, जहाँ पे आपको 99 रुपीस में ही दिया जाएगा। ये देखिए माछेर कचूरी, उसके साथ दम आलू या कोई वेज, और उसके साथ वेज फ्राइड राइस, चिली चिकन, मोमो या चिकन पकौड़ा। ये देखिए, और यहाँ पे हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है एग रोल कॉम्बो। ये देखिए यहाँ पे 4 पीस आपको एग रोल दिया जाएगा। आप मेरे साथ हैं, यहाँ का जो प्रॉप राइटर है, उसे कुछ हम इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार दादा से हम मिल लेते हैं। पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है अरिंदम राय। मैंने सुना कि आपने जो परमिशन, हाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये मेरा हॉबी है एक्चुअली। तो खाना बहुत अच्छा लगता है, खाने और खिलाने में मज़ा लगता है, तो इसलिए आया हूँ इस प्रोफेशन में। तो ये मेरा हॉबी है एक्चुअली। दादा मैंने बहुत जगह पे देखा कि आप 99 में बिरयानी कॉम्बो दे रहे हो, बिरयानी कॉम्बो, चाइनीज फ्राइड राइस कॉम्बो, और एक्चुअली ये कमर्शियल जब है कुछ कमर्शियल हाउसेस में और स्टूडियो में, तो उससे जो अमाउंट हम लोग को मिलता है वो यूज होता है। तो उसके बाद इसमें वो मतलब चीज आने के बाद हम लोग ये कस्टमर के लिए, नॉर्मल कस्टमर के लिए चालू किया है। ठीक है, बढ़िया रिस्पॉन्स है। आपके लिए रेस्टोरेंट की तरह मैं ये एक साल हो गया। तो ठीक है, बात तो बाबा से बात कर लिया। एक और बात जो मेरा मन में है दादा, कि देखिए आज के 2023 में कोलकाता में चिकन बिरयानी बढ़ रही है, लेकिन बाबा आज 2023 में आपके आपको 100 रुपये में चिकन बिरयानी और अंडा भी दे रहे हो, आप चिकन कोशा दे रहे हो, रायता कैसे दे रहे हो? कमर्शियल जाता है तो उसमें जो वॉल्यूम होता है उससे मेरा मैंने प्रॉफिट हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता है, मार्जिन बहुत ही रहता है, क्योंकि मैं जो रेस्टोरेंट का खर्च है, उसका पेमेंट्स है, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो हाई लेवल का होता है, तो उसे सब कट छट के छोड़ के थोड़ा बहुत लाभ आ जाता है, उससे ही बच चल जाता है। लेकिन एक बात, जो कस्टमर सारा है इधर में, ये मत सोच के आओ जी इसमें फ्री में मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहा है, कुछ नहीं है ऐसा कुछ। 99 में जो दे सकता हूँ वही दे रहा हूँ, शॉर्ट मार्जिन रहता है, चल जाता है। लेकिन ऐसा मत सोचिए दादा बोदी का बिरयानी 99 में मिल जाएगा, ऐसा जो लोग सोच रहे हो वो कहीं पर मत निकालो, घर से मत निकालो, आप ऐड देख के घर पर ही बैठे रहो, ऐसा ही चलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं दादा से भी बात कर लिया हूँ, आप लोगों ने सुन लिया दादा के बातें। दादा पहले फर्मिस था, उनको खाने में, अच्छा अभी भी दादा अभी भी है, एक बार हो जाने के बाद चलता ही रहता है, अच्छा दादा अभी भी छोड़ा नहीं, लेकिन दादा बहुत खाने का शौकीन है और दूसरों को खिलाने में दादा को बहुत मजा आता है, इसीलिए उन्होंने इस प्रोफेशन में आया है। तो दादा आप हमें अच्छा कह रहे हो, ये बताओ ट्राई करो हमारा सिग्नेचर डिश कॉम्बो, ट्राई करो कुबरेजी, ट्राई करो बिरयानी चाइनीज दोनों को ट्राई करके देखो, अगर वाकई लगे तो बोलना, खराब लगे वो भी बताना, जो आपका रिव्यू होगा सामने सामने। ठीक है तो चलिए दोस्तों अब हम ट्राई करेंगे, दादा ने जैसा बताया कि यहाँ का फेमस सिग्नेचर डिश है फिश कुबरेजी, वो ट्राई करेंगे, और जो इंडियन चाइनीज कॉम्बो वो है, और जो बिरयानी कॉम्बो है वो भी ट्राई करेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग एक बार एक बात बताऊँ दोस्तों, ये जो मतलब रेस्टोरेंट है होइचोई, कैम्बियस तो भाई बहुत ही खूबसूरत है, ऑथेंटिक कोलकाता का जो हिस्टोरिकल प्लेस है, या फिर जो देखने वाले साइट सीन के तौर पर कह लीजिए, जो लोग कोलकाता घूमने आते जाते हैं, हावड़ा ब्रिज हो गया, यहाँ से
कस्टमाइज किया गया है, यहाँ पे दर्शाया गया है। तो दोस्तों आप लोग एक बार चलिए यहाँ का एम्बियंस एंजॉय कीजिए, फिर मैं आपको मेन्यू कार्ड दिखाऊंगा और यहाँ का फूड ट्राई करके दिखाऊंगा। तो चलिए ऑनलाइन दोस्तों आप मुझे मिल गया यहाँ का मेनू कार्ड। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा हर रोज खाने के लिए। आपको आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार पूरा मेनू कार्ड चेक कर लीजिए। देखिए जंबो फिश कॉम्बिनेशन, आप लोग साइज देख लीजिए इसका, तो कितना सा बड़ा है। और ऊपर का कोटिंग भाई देखिए, ये ऊपर का जो कोटिंग है ये ऑमलेट का कोटिंग है। तो मैं आपको एक बार ये काट के पहले दिखाऊं। तो चलिए दोस्तों इसको एक बार काट के दिखाते हैं। चलिए तो दोस्तों मैं आधा काट लिया और उसके बाद देखिए इतना सा बड़ा है। देखिए ऊपर का कोटिंग देखिए, पहले पूरा मैं बोल दिया आपको, ये जो अंडा ऑमलेट होता है उसका अंडा का या ऑमलेट का लेयर है, और अंदर का एक बार आप लोग देखिए पीले देखिए, देखिए एकदम फ्रेश मछली है। आप देख सकते हो मछली बहुत फ्रेश है। आप एक बार इसको हम टेस्ट करके बता दें। देखो इसको टेस्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ का सबसे खूबसूरत चीज़ दिखाऊँ। ये देखिए यहाँ का डेकोरेशन देखिए, डेप का वही चाहिए का हुआ इसे कासून को भाई। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन है। तो अब मैं इसको एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ। ऐसा ये मैं ले लिया और इसके साथ ऊपर का जो लेयर है एकदम क्रिस्पी है ये, और अंदर का जो मछली है वो देव की माछ है, देव की मछली जो कोलकाता का बहुत ही फेमस है, और एकदम फ्रेश मछली है ये। और इसको भाई सलाद के साथ और ये डेप में मिला के खाने में भाई जो मज़ा आएगा यही बताऊँ भाई, अलग लेवल का मज़ा है। एक बार आपको मैं ट्राई करके दिखाता हूँ, कासुंदो या मस्टर्ड का बिना। देखिए भाई मछली एकदम फ्रेश है, बहुत जूसी है, और अंदर का जो मछली का जो फिले है फिश, मुझे ये फिश कॉफी रखी बहुत ही अच्छा लगा। सो ऑलराइट दोस्तों फिश कॉफी रखी के बाद अब मुझे मिल गया यहाँ का दो कॉम्बो, 99 में चिकन बिरयानी कॉम्बो और चाइनीज कॉम्बो। सबसे पहले देखिए चिकन बिरयानी कॉम्बो में क्या है। चिकन बिरयानी है यहाँ पर, ऐसे चिकन कोसा दो पीस दिया जाएगा आपको और रायता। भाई बिरयानी का आप लोग डेकोरेशन देख लीजिए भाई, ये तो कैसे आना भाई। चिकन बिरयानी जिस तरह सर्व किया गया है वो देख के मुझे भाई लग रहा है मैं कैसे खाऊँ इसको। इस तरह भाई सर्व कहीं नहीं किया गया आज तक मेरा YouTube करियर में मैं इस तरह मतलब डेकोरेशन कहीं नहीं देखा चिकन बिरयानी का। और 99 की चाइनीज कॉम्बो में आपको क्या मिलेगा ये देखिए, ये सिर्फ चाइनीज कॉम्बो नहीं है, चाइनीज प्लस इंडियन कॉम्बो है। ऐसे कचौड़ी इसको बोलते हैं कढ़ाई सूटी का कचौड़ी, मटर का कचौड़ी, ऐसे दो पीस चिकन पकौड़ा, गंगराज मोमो, यहाँ पे है वेज फ्राइड राइस, और साइड डिश में यहाँ पे है दम आलू और चिली चिकन। तो दोस्तों आप एक एक करके इसको हम ट्राई करके आपको इसका रिव्यू देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा इंडियन प्लस चाइनीज कॉम्बो। ये देखिए ये है कचौड़ी, कढ़ाई सीटू का कचौड़ी, एक बार कलर आप लोग देख लीजिए ऐसा है पूरा हरा। अब मैं इसको ट्राई करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। चलिए भाई ये एकदम गर्म
एकदम गर्मा गर्म दिया गया था, लेकिन हमारे वीडियो और फोटो के चक्कर में ठंडा हो गया। कोई बात नहीं, चलिए देखिए कढ़ाई शूटिंग का कचौड़ी और उसके साथ दम आलू का ग्रेवी के साथ कचौड़ी बहुत अच्छा है। थोड़ा ऑयल मुझे ज़्यादा लगा और मैं बताई दिया कि फ़ोटो वगैरह के चक्कर में ये ठंडा हो गया, तो एकदम नरम था और दम आलू बहुत ही स्पाइसी है। तो इसका एक बार ग्रेवी आपको ट्राई करके बता दूँ। ये देखिए दम आलू के ऊपर ये कोरिएंडर लीफ है। अब इसका एक बार ग्रेवी बहुत ही स्पाइसी है। इसको आपका गरम मसाला लहसुन और अदरक के साथ गार्निश करके प्रिपेयर किया गया है, जैसा होममेड होता है, एकदम सही टेस्ट है। अब हम ट्राई करेंगे यहाँ का। यह ऐसे देखिए चिकन पकौड़ा साइज आप देख लीजिए, एक बार ऐसा है कुछ। अब मैं अंदर का कोटिंग देखिए, पूरा बोनलेस चिकन है एकदम। तो एक बार ट्राई करके बता दें, चलिए। भाई ऊपर कोटिंग के नाम पे कुछ नहीं है, जैसा बेसन का जो कोटिंग होता है वो एकदम पतला है। अंदर का जो ये आप जो किस देख रहे हो, ये एकदम सॉलिड चिकन है। भाई चिकन का एकदम एक सॉलिड पीस आपको दिया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का चिकन पकौड़ा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ का गोंदोला मोमो, ये देखिए ऐसे एक साइज आपको दिया जाएगा। और आप इसका अंदर का स्टफिंग देख लीजिए भाई साहब, पूरा चिकन तो एकदम भर भर के दिया है भाई। चिकन देखिए मोमो के अंदर स्टफिंग में देखिए, एकदम चिकन भर भर के दिया है। इसके अंदर आपका प्याज है, कैप्सिकम है। चलिए इसके ऊपर टेस्ट करके बताते हैं। जैसा मोमो होता है एकदम अच्छा है। और एक गोंदोला जो नींबू होता है उसका स्मेल, उसका तो भाई भरपूर एक टेस्ट आ रहा है और स्मेल भी आ रहा है गोंदोला मोमो का। टेस्ट सही है गोंदोला मोमो का। मैं ट्राई करूँगा यहाँ का ये वेज फ्राइड राइस। भाई फ्राइड राइस का क्वांटिटी देख लीजिए एक बार, ऐसे दो आदमी आप खा सकते हो पूरा ये कॉम्बो को। तो चलिए एक बार हम वेज फ्राइड राइस आपको ट्राई करके बताते हैं। और देखिए वेज फ्राइड राइस के अंदर क्या क्या ऊपर ये स्प्रिंग ऑनियन है, गाजर है और कैप्सिकम का मिलेगा। तो सही है जैसा वेज फ्राइड राइस होता है। अब इसको इसको ट्राई करके बताते हैं, सही टेस्ट है। ऊपर से यहाँ पे ब्लैक पेपर गार्निश करके दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या गार्लिक की फ्लेवर आ रहा है और यहाँ पे जो ग्रीन हरी मिर्च होता है, हरी मिर्च, गाजर और ये स्प्रिंग ऑनियन एकदम तो भाई भर भर के लिए आपको दिखते। जब भी आप खाओगे भाई उसका हर एक बाइट में ये आप फील करोगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार यहाँ के जो चिली चिकन का जो ग्रेवी देख लीजिए, एक बार चिली चिकन के ग्रेवी देख लीजिए। अब चिली चिकन के ग्रेवी के साथ मैं इस फ्राइड राइस को ट्राई करूँगा। ये देखिए ऑसम टेस्ट है। मैं भाई बहुत जगह चिली चिकन ट्राई किया लेकिन ये थोड़ा हटके लगा मुझे, लेकिन फिर सुपर बेस्ट था। इसका सिर्फ एक बार ग्रेवी देखिए, सही टेस्ट है। इसके अंदर देखिए कैप्सिकम है, प्याज है, चिली चिकन थोड़ा स्पाइसी है। ओवरऑल मुझे जो ये इंडियन चाइनीज कॉम्बो मैं ट्राई किया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये दम आलू और जो चिली चिकन मुझे थोड़ा स्पाइसी लगा। अगर आप लोग स्पाइसी नहीं खाते हो तो आप लोग आप ये कॉम्बो अवॉइड करके बिरयानी कॉम्बो को ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज इसका टेस्ट वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं ट्राई करूँगा यहाँ का ये देखिए बिरयानी कॉम्बो। भाई बिरयानी का प्रेजेंटेशन देखिए यहाँ, भाई सलाद के साथ जिस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया है, उसको सर्व किया गया है, भाई ऑसम है। बिरयानी के अंदर एक बार आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए ऐसे एक आपको लेग पीस दिया जाएगा। कोलकाता बिरयानी में भाई मस्त है आलू, आलू है कहीं क्या? हाँ ये देखिए भाई साहब, ये तो भाई एक पूरा आलू दे दिया यहाँ पे।
दूसरी जगह क्या करते हैं, एक आलू को कट के देते हैं, लेकिन ये देखिए एक पूरा आलू यहाँ पे दे दिया गया है और एक यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक अंडा। भाई साहब, भाई 99 का बिरयानी कॉम्बो तो फुल पैसा वसूल कॉम्बो है, अब तक देखने में लगा, टेस्ट करके बताएंगे। और बिरयानी का क्वांटिटी आप देखिए, ये देखिए कुछ ऐसा आपको क्वांटिटी दिया जाएगा 99 की कॉम्बो में। और आपको चिकन कोसा और रायता, तो चलिए एक बार चिकन बिरयानी को हम ट्राई करते हैं। मौसम टेस्ट है यार, बिरयानी कोलकाता बिरयानी का एक फ्लेवर वही कूट कूट के है इसमें। और यहाँ पे एक लौंग का एक अलग तरह का फ्लेवर आ रहा है भाई, शायद वो गरम मसाला का होगा, पता नहीं है कैसे भैया कैसे प्रिपेयर किया है, लेकिन ये बिरयानी कोलकाता बिरयानी का फ्लेवर है, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा अलग सा है, थोड़ा अलग सा है। ऐसा नहीं कि भाई 99 में बिरयानी कॉम्बो दे रहा है कि जैसा तैसा बना दिया, नहीं कुछ ऐसा नहीं है। और ये बिरयानी ना तो ज़्यादा ऑयली और ना ही ज़्यादा ड्राई है, एकदम सही टेस्ट है भाई, टेस्ट पसंद है बिरयानी का। बिरयानी का अपने आपको चिकन दिखा, ये देखिए पहले भी आपको ऐसे, पहले ही आपको दिखा ऐसे चिकन दिया जाएगा, लेग पीस अब चिकन कितना सॉफ्ट है, ये देखिए भाई जैसे ही मैं इसको हाथ से तोड़ने की कोशिश की एकदम मेरे हाथ पे आ गया भाई, टूट गया। ये देखिए चिकन, देखिए बिरयानी का, ये देखो कुछ इस तरह सॉफ्ट है, एक बार ट्राई करूँ। इतना सॉफ्ट चिकन मैं आज बिरयानी में कभी नहीं खाया, बहुत जगह पे खाया बिरयानी, आपको दिखाया मैं चिकन सॉफ्ट सॉफ्ट था, लेकिन इस अंदाज से सॉफ्ट मुझे कहीं नहीं मिला भाई। और चिकन बहुत ही फ्रेश है। अब इसका आलू दिखा भाई, ये देखिए ऐसे आलू, आलू भी भाई वो एकदम सॉफ्ट है। अब एक बार आलू देखूँ दोस्तों, दोस्तों आप लोग यार एक बार आइए चिकन बिरयानी को हम लोग ट्राई कीजिए। 99 में मान लीजिए कि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, लेकिन बिरयानी का जो टेस्ट है, चिकन और आलू और ये जो क्वांटिटी है, आपका फुल पैसा वसूल है दोस्तों, फुल पैसा वसूल है। आलू वेल कुक हुआ है, मसाला एकदम अंदर तक क्या है। अब इसका एक हेवी बाइट में लेकर देख देता हूँ, लेकिन आलू थोड़ा चिकन बिरयानी में लेके इसके साथ, भाई नेक्स्ट लेवल का है ये, नेक्स्ट लेवल का। मुझे बिरयानी कॉम्बो का बिरयानी बहुत अच्छा लगा। अब मैं ट्राई करूँगा यहाँ के, देखिए चिकन कोसा, एक दो ऐसा दो पीस, या भाई टूट गया है चिकन, ऐसा दो पीस आपको दिया जाएगा। अब एक बार बिरयानी के चिकन कोसा का ग्रेवी देख लीजिए, ये देखिए थोड़ा ऑयली लग रहा है, मुझे रीच लग रहा है, लेकिन एक बार टेस्ट करते रहता हूँ। चिकन कोसा बहुत ऑयली है भाई, तो ठीक है भाई थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन इस हिसाब से बिरयानी के बाद चिकन कोसा, आपने चिकन कोसा का ये देखिए ग्रेवी लेके बिरयानी में, टू गुड, जैसा होममेड चिकन कोसा होता है, इस मैरिनेट ऑनियन गार्लिक में और गरम मसाला में मैरिनेट करके इसको बनाया गया है, टेस्ट चुका है, एकदम होममेड चिकन कोसा है। अब यहाँ का रायता देख लीजिए, ऐसे देखिए वाह भाई सही टेस्ट है। यहाँ का फिश कोपिराजी बिरयानी कॉम्बो, ये इंडियन चाइनीज कॉम्बो मुझे बहुत अच्छा लगा, ओवरऑल यहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप रेटिंग बोले तो मैं 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं इसको, इतना अच्छा है यहाँ का खाना, आप लोग एक बार आकर ट्राई कीजिए। सो लाइक दोस्तों, मेरा खाना वगैरह खत्म हो गया, अब मैं यहाँ का खाना का रेट तो मैं पहले ही दे दिया भाई, ऑसम यार 99 में इतना कुछ दे रहे, मैंने बहुत जगह देखा, पहली बार ट्राई किया मैंने, हाँ टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और आप मैं बता दूँ होइचोई फूड प्लाजा का एग्जैक्ट लोकेशन, यहाँ का ओरिजिनल लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया हूँ। यहाँ का जो सब नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कोबी नजरुल मेट्रो, कोबी नजरुल मेट्रो से आप सीधा जाइए जोरा पेट्रोल पंप की तरफ, हिंदुस्तान हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल के ऑपोजिट साइड आपको मिल जाएगा होइचोई फूड प्लाजा। और दोस्तों वीडियो को करते हैं यही है, अगर वीडियो यहां तक देख लिया तो जाहिर है कि आपको अच्छा ही लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक बार इसको लाइक करना, और चैनल पे नया हो तो इसको सब्सक्राइब करके
बेल आइकन ऑल करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। I know you told your